ये एक रिपोर्टर फिंगर है, इसको सीधा करें तो ये सीधी हो जाती है। अब इसको बंद करेंगे तो इसके जॉइंट ऐसे हैं कि सारी फिंगरें बंद होती हैं। अभी इसमें ना फिंगर का साइज़ थोड़ा बड़ा है, इस साइज़ को हमने पूरा करने के लिए एक और फिंगर बनाई, ये वाली। अब इसमें सारे साइज तकरीबन हमने रखे हुए हैं सही प्रोपोर्शन में। इसमें अगर एक फिंगर को मूव करेंगे तो ये मूव होगी, ठीक है। इसको जितना मूव करेंगे ये फोन रोबोटिक फिंगर मूव कर रही है। अब इसको सिर्फ इसको खोलेंगे तो रोबोटिक फिंगर खुलेगी, ये खुलगी और रोबोटिक फिंगर। अब ये रोबोटिक आर्म जो हमने बना दी है हैंड, ये बेहतरीन हैंड बना है, सॉरी फिंगर बनी है। अब इसको हम ये सॉरी इसमें जो सर्वो था ये ख़राब हो गया था, इस सर्वो को हम चेंज करेंगे और नए से इसकी वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैंने फिंगर का ये एक मॉडल बनाया, CNC मशीन पे इसको कटिंग की है और ये बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है ना चल रहा है। ये देखें, ये इसको पूरा खोला, ये फिंगर पूरी खुल गई, ये देखें फिंगर को जितना हम खोलना चाहेंगे उतना। अब इसको आप बंद करेंगे तो ये फिंगर को उसी तरह एक एक जोड़ बंद होगा। फिर इसके हमने साइज़ जो है ना वो एक प्रोपोर्शनलिटी में बनाया है ताकि इसका जो काम है ना वो एक फिंगर के मुताबिक है। इसके साथ हम फिंगर अपनी ऐड करें तो तकरीबन वही उंगली की साइज़ बनता है, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ की फिंगर बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।